नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निशाने पर सरकार है, और हो भी क्यों नहीं, जिस तरह से बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की कलई खुल रही है। कोरोना संकट है, बड़ा संकट है, महासंकट है, और इस संकट के दौरान में जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था की कलई दर परत खुलती चली जा रही है, पोल खुलती चली जा रही है, वैसे में सरकार घिर रही है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं सरकार को घेरने का। तेजस्वी यादव ने फिर कई सारे ट्वीट्स किए हैं और सरकार को घेरा है, सीएम नीतीश कुमार को सीधे सीधे घेरा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं, उन्होंने जो ट्वीट किए हैं धनाधन कई सारे ट्वीट्स, उसमें लिख रहे हैं, बिहार की बदहाल महाभ्रष्ट स्वास्थ्य व्यवस्था पर आप स्वयं नजर डालिए तथा 16 वर्षों के मुख्यमंत्री की झूठी बनावटी बातों से इसकी तुलना कीजिए, लिख रहे हैं। उसके आगे लिखते हैं, एक थका हारा और अनुकंपा पर बहाल मुख्यमंत्री इतनी सफेद झूठ बोलने की हिम्मत कहां से जुटाता है, निसंदेह यह किसी शोध का विषय होना चाहिए। आगे लिखते हैं, दूसरा ट्वीट है, उसमें लिखते हैं, मुख्यमंत्री जी जितनी ऊर्जा व जुगत आप विपक्षियों को फंसाने, जोड़ तोड़ तथा नीति नियम सिद्धांत और विचार त्याग अपनी जर्जर कुर्सी के टूटे पाए ठीक करने में लगाते हैं, अगर उसका 1% भी स्वास्थ्य संरचना और स्वास्थ्य और व्यवस्था ठीक करने में लगाते तो बिहारवासियों को बिन इलाज नहीं मरना पड़ता। बड़ी बात कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, कुर्सी के जो पाए आपके टूट गए हैं उसको ठीक करने में आप उसके जुगाड़ में लगे हुए हैं, उसके लिए आपने तमाम जो है चीज़ों को ताक पर रख दिया है, तमाम सिद्धांतों को ताक पर रख दिया है, विपक्षियों को फंसाने, जोड़ तोड़ करने और नीति नियम सिद्धांत और विचार त्याग कर आप अपनी जो है जर्जर कुर्सी के पाए ठीक करने में जुटे हुए हैं। अगर थोड़ा भी 1% भी अगर आप करते कुछ काम तो ज़रूर स्वास्थ्य संरचना अगर सही होती तो आज बिहारवासियों को बिना इलाज के मरना नहीं पड़ता। तो जो हालात सामने दिख रहे हैं उन हालातों के मद्देनज़र जो है तेजस्वी यादव सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है। तमाम जो तस्वीरें आ रही हैं लगातार कोरोना संकट के दौर में कि जिस तरह से अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं, मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, रेमडेसिविर जो महत्वपूर्ण दवा है कोरोना से लड़ाई में वो ख़त्म हो चुका है, उसका स्टॉक नहीं है सरकार के पास, तमाम चीज़ें हैं, तमाम तरह की जो कमियां देखने को मिल रही हैं। तो कल तेज प्रताप यादव जो तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं उन्होंने भी अनोखे अंदाज में हमला बोला था, और आज तेजस्वी यादव फिर से हमला बोल रहे हैं, वो लगातार हमलावर है सरकार पर। तो एक और उन्होंने ट्वीट किया है जो तीसरा ट्वीट, जिसमें वो सवाल पूछते दिख रहे हैं, उसमें क्या लिख रहे हैं, क्या नीतीश जी के पास 12 करोड़ बिहारवासियों के बाजिक सवालों का जवाब है, क्या 16 वर्षों के मुख्यमंत्री अब बता सकते हैं कि विगत 1 वर्ष में वह ऑक्सीजन तक की उपलब्धता सुनिश्चित क्यों नहीं करा सके, कोरोना प्रबंधन को लेकर वह क्या कर रहे थे, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था स्वास्थ्य सेवा आईसीयू में भर्ती क्यों है। तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल जो खड़े हो रहे हैं उसमें और भी घी में आग डालने का काम किया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। कड़े और बड़े सवाल पूछ दिए हैं सरकार से और कहा है कि आखिर आपने 1 साल जो कोरोना संकट को 1 साल हो गए हैं तो उस दौरान आपने ऑक्सीजन तक की व्यवस्था क्यों नहीं की, आज हालात ये क्यों है कि लोगों को ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रहा है, कोरोना प्रबंधन को लेकर आप क्या कर रहे थे आखिर साल भर से, और स्वास्थ्य व्यवस्था आपकी आईसीयू में चली गई है ऐसा क्यों है, तमाम सवाल पूछ डाले हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव में और सरकार से जवाब मांगा है। तो सरकार को जवाब तो देना ही होगा कि आखिर क्या कर रही है सरकार, क्यों ऐसे हालात बन रहे हैं कोरोना को लेकर कि सरकार बेबस लाचार और बीमार नजर आ रही है, सरकार वेंटिलेटर पर नजर आ रही है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।